फिलहाल थोड़ा सा वीडियो अपने आप स्टॉप हो चुका था, येलो शेड मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैंने जो शेड यूज़ किया मैं इस साइड में आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, उस वजह से अपने आप वीडियो स्टॉप हो गया था, बट कोई भी आप कुछ भी आपका नहीं छूटा है, सिर्फ इनर कॉर्नर में जो हमने ऑफ वाइट शेड लगाया वो थोड़ा सा आपसे छूटा है। सो नेक्स्ट जो मैं इस साइज में कर रही हूँ मैं आपको अच्छे से सब बता रही हूँ। सबसे पहले जो शेड हमने यूज़ किया था वो है जो सबसे डार्क शेड हम यूज करने वाले हैं वो हम पहले यूज करेंगे। एंड जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है मिशेली पलमा 315 नंबर शेड, 314 नंबर का शेड। एंड ये जो शेड हमें यूज कर रही हूँ वो है स्पेस वाइन फ्रॉम मिशेली पलमा। यहाँ तक हमने अप्लाई कर दिया, देन हम ऑरेंज शेड ले रहे हैं, और जो ऑरेंज शेड में ले रही हूँ सेम वही मिशेली पलमा पैलेट से बर्न शेड में ले रही हूँ। बर्न शेड का नेम है बर्न। ठीक है, और जो फ्लैट ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है मिशेली पालमा, सॉरी पी ब्यूटीलिशिश का 314 नंबर का ब्रश, 316 नंबर का ये ब्रश है। एंड उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ येलो शेड। सो येलो के लिए मैं जो ब्रश ले रही हूँ वो है ब्यूटीलिशिश का 315 नंबर का ब्रश, 315 फ्रॉम ब्यूटीलिशिश। अगेन मैं जो ब्रश ले रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस 316। ठीक है, देन हम जाने वाले हैं जो अंदर मैंने व्हाइट शेड लिया था वो ऑफ व्हाइट शेड, वो है कार्निवल की बी परफेक्ट पैलेट, जो बी परफेक्ट कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट जो है उसमें से मैंने लिया है पिलो टॉक, शेड का नेम है पिलो टॉक। ठीक है, इसके बाद हम येलो शेड जो है वापस लेंगे, हल्का सा कैरमल में मिक्स कर रही हूँ उसमें। एंड अगेन व्हाइट शेड उस पर ओवरलैप करेंगे, ऑफ व्हाइट शेड है, व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट है। यहाँ पे भी सेम हम शेड थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे, थोड़े टाइम के लिए हम रुके थे उसकी वजह से यहाँ पे आईज ओपन होने की वजह से हल्का सा देख सकते हो आप कि थोड़ा डिफरेंस आ गया है, तो ये हम अभी सेट कर देंगे शेड्स को। ऑरेंज हल्का सा मैंने लिया है एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम ऑरेंज अप्लाई कर देंगे ऊपर से। ओके, आप देख सकते हो दोनों साइड में जो हमने शेडिंग्स दी हैं वो अभी आपको सेम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो एक साइड में वाइट शेड है अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उसको और ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं शॉपर का ग्लिटर ले लूँ और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ वाइट शेड जो है वो। वो नहीं चाहिए अभी, जो दूसरा पाउडर है।
सिल्वर कलर का ढक्कन। ओके, जो मैं यूज कर रही हूँ वो है शॉपरेल का ग्लिटर, एंड उसके लिए मैं जो ब्रश यूज करूंगी वो होगा मिशेली पल्मा का 315 नंबर का ब्रश। और जो ग्लिटर मैं यूज कर रही हूँ उसका नेम है दिखाओ पहले इधर 03 नंबर का ये शेड है, एंड ये फोटो रेडी ग्लिटर है जो मैं यूज कर रही हूँ वो। देखो आप चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, और एक ऑप्शन में बता देती हूँ, अर्बन डिके वो ले ले लाइनर, वो हम करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। ये काफी बार हमने यूज किया, बट आप ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों साइड में मैं लगा देती हूँ, देन उसके बाद हम वो भी अप्लाई कर लेंगे ताकि आपको उसका भी रिजल्ट पता चले। ये जस्ट पाउडर डस्ट होती है, इसको कोई ग्लू की हेल्प नहीं लगती है। ओके, इसको कोई ग्लू नहीं चाहिए होता है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। और अभी जो ग्लिटर लाइनर हम अप्लाई करना फेस सीधा है, अभी जो ग्लिटर लाइनर हम लेने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है जो भी हमें लेना है वो हम लेंगे अभी। या तो आप स्पार्क ग्लिटर भी ले सकते हो। सो मैं ले रही हूं अर्बन डिके का ग्लिटर जिसका शेड नेम है मिडनाइट काउबॉय, और ये ग्लिटर लाइनर है बट इसको हम पूरे आईज पे अप्लाई करेंगे, मतलब जहां कट क्रीज हमने दी है वहां पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके का इसमें प्रोडक्ट है। दूसरा ब्रश वो खोल के रखना चाहिए। तो मैं सेम ब्रश ले रही हूँ मिशेली पाल्मा ब्रश, और प्रोडक्ट ले रही हूँ ब्रश में एंड अप्लाई कर रही हूँ। जैसे ये ड्राई हो जाएगा ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, सो ये ड्राई होने के बाद और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। दूसरी आईज के लिए भी हम सेम ग्लिटर ले लेंगे, ठीक है।